हृदय रेखा वो मस्तिष्क रेखा के मध्य में फासला कम हो तो जातक अत्यंत स्वार्थी और अत्यधिक आत्मविश्वास रखने वाला होगा। अब देखो, समझने वाली बात है, कई हाथों में आपको ये वाला गैप ना कैसा मिलता है, जैसे ये हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा उसके पैरेलल इस तरह से रहती है, ठीक है। कई बार पैरेलल में होने की वजह से जो गैप है ना दोनों के बीच में इक्वल रहता है, कई बार थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है। तो ये गैप जितना ज्यादा कम होता है व्यक्ति उतना ज्यादा सेल्फिश यानी स्वार्थी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने विषय में सोचना और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन ये गैप जितना बड़ा होगा व्यक्ति उतना ही ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, उदार प्रकृति, समाज सेवा, दूसरों का भला, ये गैप जितना ज्यादा बड़ा होता है। अब इस हाथ में देखिए, जिस हिसाब से ये वाला कर्व बना हुआ है उस हिसाब से ये रेखा का डिस्टेंस जो है ये काफी दूर है, ठीक है, नजदीक नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो है दूसरों के भले के बारे में या दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और ज्यादा क्लोज हो, क्लोज होने का मतलब एकदम कम टू, जितना लेस टू लेस डिस्टेंस हो उतना ज्यादा व्यक्ति सेल्फिश बनता है। नॉर्मली सेल्फिश वाला सिम्टम बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। कैसा दिखेगा मैं बता देता हूँ, यहाँ से इस तरह से आएगा, ये रेखा ऐसे गई और मस्तिष्क रेखा जो है इस तरह से आती है, ये जो गैप कम हो गया यहाँ पर, यानी ये व्यक्ति जो है अपने सबसे पिक जो इसका टाइम रहेगा, मतलब करियर लाइफ जो इसकी रहेगी उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा सेल्फिश होगा। नॉर्मली ऐसी रेखा दिखेंगी, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ठीक जो सेंटर पार्ट होता है वहां पर क्लोजनेस ज्यादा होती है, बाकी दोनों साइडों में दूरियां ज्यादा होती है। हृदय रेखा व मस्तिष्क रेखा के मध्य फासला अधिक हो तो जातक आत्मविश्वास की कमी होगी, जातक का जीवन अस्थिर जीवन ही रहेगा। ये एक थोड़ा सा गलत है ऑप्शन, पूरी तरह से करेक्ट नहीं कहेंगे कि अगर ज्यादा गैप होगा तो जीवन अस्थिर होगा। एक्चुअली ज्यादा गैप होगा भी तो ऐसे जीवन रेखा के साथ इसका कनेक्शन बनना चाहिए अगर ज्यादा गैप है तो, ठीक है। तो जब भी जीवन रेखा के साथ मस्तिष्क का कनेक्शन होता है तो ऐसे लोग स्टेबल रहते हैं, ठीक है। अनस्टेबिलिटी की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस की कम होने की भी बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ अपने आस पास के लोगों को लेकर चलने वाला होता है, ठीक है। ये कभी सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचता, और ऐसे लोग थोड़े से ना बड़ा एम रखते हैं लाइफ में, लार्जर प्रोस्पेक्ट देखते हैं, और जितना ज्यादा गैप कम होता है उतना वो संकीर्ण होते हैं, यानी छोटा कॉम्पैक्ट, कि मैं अपने लिए कर लूं यही बहुत है, बाकी का देखा जाएगा। यदि मस्तिष्क रेखा कलाई तक पहुंच जा रही हो तो है, और साथ ही समाप्ति वाले स्थान पर क्रॉस का चिन्ह हो तो जातक आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, ऐसा जातक पागल भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बन सकता है, अगर मस्तिष्क रेखा इस तरह से निकली है और वो कलाई तक जा रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा डाउनवर्ड है, चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है रेखा, ठीक है। ये रेखा भी बहुत कम दिखती है, और एक्चुअली देखा जाए थोड़े से ये लोग जिनकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर ज्यादा झुकाव लिया है, या चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए या चंद्र पर्वत को क्रॉस कर जाए, कलाई में मणिबंध तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी वाला इश्यू रहता है, वो कहते हैं ना साइको हो जाते हैं, ठीक है, किसी एक थॉट प्रोसेस में फंसे रहते हैं ये लोग। इन लोगों के अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी होती है, जैसे ये अपनी कल्पना से बहुत अजीबोगरीब चीज बना सकते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर है, मैंने देखा उसने, वो बचपन से बहुत कॉमिक्स पढ़ता था, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं, लेकिन जब उसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना शुरू किया, आज के डेट में वो मतलब मशीन्स ऐसे डिजाइन करता है जैसे पता नहीं उसका उसके दिमाग में किसी एलियन एलियन के वहां से उसके पास इंफॉर्मेशन आता है, वो इस तरह के डिजाइन बनाता है जो बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं फ्यूचरिस्टिक टाइप, ठीक है। तो ऐसे लोग ना अपनी कल्पना में बहुत नेक्स्ट लेवल तक सोच सकते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल तक। कई बार इनके काम को रिजेक्ट कर देने की वजह से इनको मेंटल ट्रॉमा होता है, और इस वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर सुसाइड करने की कोशिश होगी तो यहाँ पे क्रॉस बनना चाहिए, तभी ये सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा, अदरवाइज क्लीन होगा, थोड़ा साइकोटिक रहते हैं ऐसे लोग,
ऐसे लोग सिर्फ अपनी बात को ही ज्यादा कहना समझ मतलब दूसरों को कहना पसंद करते हैं, दूसरों की बात कम सुनते हैं, अपनी दुनिया में रहने वाले। यदि मस्तिष्क रेखा कहीं गहरी और कहीं हल्की हो तो जातक में एकाग्रता की कमी होती है। अब देखो, कहीं गहरी और कहीं हल्की अगर कभी भी मस्तिष्क रेखा आपको दिख जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक गहरी हो गई, और उसके बाद फिर उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक पतली हो गई, तो इसका मतलब यह है कि उसका फोकस गहराई जब तक थी तब तक बहुत अच्छी थी, जैसे पतली होगी तो उसका फोकस घट गया। ठीक है, यहाँ पर एकाग्रता की कमी जो कह रहे हैं, तो फोकस की कमी हो जाती है। अब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड देखना पड़ता है कि किस टाइम जोन पे रेखा पतली हो रही है और किस टाइम जोन पे रेखा मोटी हो रही है।